सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। ढूंढना ही है तो परवाह करने वालों को ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। रिश्ते मन से बनते हैं, बातों से नहीं। कुछ लोग बहुत से बातों के बाद भी अपने नहीं होते, कुछ लोग शांत रहकर भी अपने बन जाते हैं। छोटी सी लाइफ है, हंस के जियो भुला के गम, सारे दिल से जियो, अपने लिए ना सही अपनों के लिए जियो। आज का पंचांग 27 मई 2022 देर शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह 11:48 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्विनी नामक नक्षत्र रात्रि 2:26 तक रहेगी। इसके उपरांत भरणी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:36 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगी। मेष राशि 27 मई 2022 दिन शुक्रवार, आप निजी और पेशेवर रूप से सर्वश्रेष्ठ जगह पर हैं। अपनी ताकत और सीमाओं के बारे में जानें, अपने आत्ममूल्य के आधार के साथ अपने रचनात्मक पक्ष को भी व्यक्त करें। कोई नया अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, इसका साहस पूर्वक पीछा करें। चंद्रमा की नई कलाओं से आपको जीवन का नया नजरिया मिलेगा, जैसा आप कई सुनहरे मौके पाएंगे। आज आप हर बात को लेकर भावुक रहेंगे, इसलिए छोटी छोटी बातों से निराश ना हो। लोगों से बात करके गलत फहमियों को दूर किया जा सकता है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में सहायता करता है। इस समय काफी चीजें आपके पक्ष में सुचारू रूप से संपन्न होती जाएगी। सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि किसी भी काम को करने से पहले उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार अवश्य करें। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई और करियर से संबंधित गतिविधियों को लेकर गंभीर भी रहेंगे। विचार और इच्छाओं का संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, संतुलन बनाए रखें। आप केवल नकारात्मक बातों पर ही ध्यान देते रहेंगे, इस कारण निराशा बढ़ सकती है। करियर से संबंधित नई बातों की शुरुआत करने से पहले जो हाथ में काम लिया है वह ठीक से पूरा करने की कोशिश करें और इसी काम में खुद को पारंगत बनाने के लिए प्रयत्न करें। लव लाइफ से संबंधित आ रहे बदलाव के कारण नकारात्मक महसूस होगा। अभी के समय में मार्ग भले ही प्राप्त ना हो, लेकिन आपको उम्मीद बनाए रखनी है। सेहत ठीक रहेगी, शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। सावधानियां, घर के किसी सदस्य का जिद्दी और अड़ियर रवैया आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा, इसलिए उचित अनुशासन बनाकर रखें। अपरिचित लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें, अन्यथा आपके लिए नुकसानजनक की स्थिति बन सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सामंजस्य पूर्ण संबंध रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। नए रिश्ते की शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में अपने रूप सूरत और व्यक्तित्व का खास ख्याल रखें। कोई रिश्ता आपको दुखी कर रहा है तो उसे समाप्त करना ही उचित है। याद रखें, रिश्ते में दोनों तरफ से प्रयास होने आवश्यक है। आज नौकरी और रिश्तों दोनों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। अपने ध्यान को अपने जीवन के विशेष व्यक्ति की तरफ केंद्रित करें और अपने विचारों को उससे बांटें। इससे आपके दोनों के बीच की गलतफहमी दूर होगी। इससे पहले अपनी प्यार की महत्वपूर्ण निशानी चॉकलेट खरीदना ना भूलें, क्योंकि यह दरारों को भरने का अच्छा उपाय है। बात करते हैं करियर की। अगर आप कार्यस्थल की मुश्किलों से परेशान होकर स्वरोजगार के बारे में सोच रहे हैं तो अब समय आ गया है इसकी शुरुआत करने का। आपकी मेहनत और ईमानदारी का बढ़िया परिणाम भी आपको मिलने वाला है।
खुशी के पल में अहंकार का त्याग करके आगे बढ़ी। सफलता आपका साथ देगी। आज आपका पूरा ध्यान भौतिक सुरक्षा और आने वाले अवसरों की तरफ होगा। आसपास के लोगों और प्रियजनों की सलाह भी आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। माना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बात करते हैं सेहत की। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की स्थिति बन रही है, अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत बनाकर रखें। शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। आज का उपाय, आज अब घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।